हेलो फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है क्योंकि कन्याओं को भोजन कराना है। तो सुबह उठकर नहा धोकर मैंने सबसे पहले चने उबाल लिए थे। चने उबालने के बाद मैंने उन्हें छौंकने के लिए तैयारी करी है। तेल डालकर, जीरा, धनिया पाउडर, मिर्ची डालकर हल्का सा मसाला भून लिया। मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें चने मिला दिए हैं। ये देखिए, चने बहुत अच्छे से गल गए हैं। ये चनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ी देर भूनने के लिए रख दिया था। इसमें थोड़ी सी ऊपर से अदरक डाल दी। ठंड का मौसम है, अदरक खाने में अच्छी लगती है। ये देखिए चने बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम रेडी, गर्मा गर्म चने। उसके बाद मैंने देखिए छोले उबाले थे। छोले उबालने के लिए मैंने चाय की पत्ती के पानी में उसको डालकर उबाल लिया था। छोले अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए, इसमें मैंने लाल इलायची, तेज़पत्ता डालकर इसको उबाल लिया था। अब हम बनाएंगे आज बिना तेल के छोले। छोले उबालने के बाद मैंने देसी घी लिया है। देसी घी में थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्ची डाल के इसको अच्छे से भून लिया है। ये देखिए, अच्छे से भुन गया है। अब इस मिक्सर को थोड़ी देर भूनने के बाद हम छोले में मिला देंगे। ये देखिए, इसमें मिला दिया है। आज के छोलों की स्पेशलिटी ये है कि आज हम इसमें कोई भी तेल, प्याज, टमाटर, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट मिलाने के बाद अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने के बाद अब हम फिर से देसी घी लेंगे। उसमें 1 चम्मच हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची को डालकर अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, हल्दी को अच्छे से भून लेंगे, जिसका कलर अच्छे से, ये भून जाने के बाद अच्छा कलर आएगा इसमें। ये देखिए, खूब बढ़िया से भून गई है। अब इस मिक्सर को गैस बंद करके हम छोलों में ऊपर से मिला देंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक साइड में मेरे चने भी तैयार हो गए हैं। अब इस छोले में हम ऊपर से डालेंगे धनिया पाउडर लगभग 2 चम्मच। साथ में डालेंगे छोले मसाला। छोले मसाले को कम से कम 2 से 3 चम्मच डालेंगे, तभी छोलों का टेस्ट आएगा उसमें। अब हम इन सारी चीज़ों को छोलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे ये सारा मसाला छोले में अच्छी तरीके से चिपक जाए। क्योंकि हम इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए सारे मिक्सर को बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा हमें, जिससे जो भी सामान हमने इसमें डाला है, जो भी मसाले डाले हैं, इसमें अच्छी तरीके से चिपक जाए। अब हम इसमें जो छोले हमने उबाले थे उसके साथ में जो पानी निकला था ना, उस पानी को इस छोले में हम मिक्स कर देंगे, तो ये छोलों में मसाला अच्छे से चिपक जाएगा थोड़ा सा पानी डालने से, और थोड़े गीले भी हो जाएंगे, एकदम सूखे सूखे नहीं रहेंगे। पूड़ी के साथ खाना है तो थोड़ा सा मसाला इसमें चिपका होना चाहिए। ये देखिए, अब हम इसमें हरी पत्ती धनिया की डालेंगे, अच्छे से गार्निश करेंगे। ये देखिए, कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितना अच्छा कलर आया है ना, बिना तेल, प्याज, टमाटर के आज बहुत ही अच्छे छोले बने हैं। आप भी एक बार ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। ये देखिए, बढ़िया बढ़िया छोले। अब हम इसे एक बर्तन में डाल देंगे। ये देखिए, है ना मज़ेदार छोले, बिना तेल, प्याज, टमाटर के, एकदम बढ़िया मज़ेदार रेसिपी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसके बाद नंबर आता है खीर का। खीर के लिए पहले से मैंने चावल भिगो दिए थे, 1 कप चावल। अब कुकर लिया, उसमें देसी घी डाला और चावलों को उसमें मिक्स कर दिया। गैस को मीडियम करेंगे। अब इन चावल को मीडियम आंच पे हम धीरे धीरे भून लेंगे। गैस को थोड़ा धीमा रखेंगे, वरना चावल नीचे चिपकने लग जाते हैं, इसलिए गैस को मीडियम करके। ये देखिए, चावल अब हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें पानी मिला देंगे। पानी मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें लगभग 2 विसल आने तक हम इसका वेट करेंगे। ये देखिए, 2 विसल आ गई हैं इसमें। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। अब हमारे चावल अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ये देखिए, अब चावल पक गए हैं। अब इस चावल में हम
दूध मिला देंगे। ये दूध मेरा उबाला हुआ दूध था जिसमें मलाई भी थी, मैंने मलाई सहित सारे दूध को इसमें लगभग 1.5 किलो दूध, 1.5 से भी कुछ ज़्यादा ही था, इस सारे दूध को हम इसमें मिला देंगे और इन चावलों को अच्छी तरीके से चलाएंगे। नीचे देखिए कुकर में थोड़ा थोड़ा सा चिपक गया है, दूध जैसे उबलता जाएगा ये सारे चावल नीचे से छूट जाएंगे। ये देखिए अब इसमें सारे मैंने ड्राई फ्रूट काट के रखे हैं, मखाने, काजू, बादाम, किशमिश, नारियल को घिस लिया है और थोड़े से सीड्स भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। इन सारी चीज़ों को अब इस खीर में हम मिक्स कर देंगे। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने एक बार मिक्सी में थोड़ा सा चला लिया था तो ये अच्छी तरीके से एक जैसे दिख रहे हैं, तो मिक्स होने में इनको ईजी हो जाता है, मोटा मोटा ये मुँह में नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको मिक्सी में चला के अब इसे मिक्स करेंगे। ये 3-4 इलायची मैंने कूट ली हैं, इन इलायची को मिला दिया, इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर हमने इसमें थोड़ा सा केसर भी डाला है, ये देखिए केसर डालने के बाद कलर बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा येलोइश दिखता है। अब हम इसमें मिलाएंगे शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आप पसंद करें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इन सबको बॉयल होने देंगे, लेकिन ध्यान रहे बीच बीच में चलाते रहें वरना चावल नीचे चिपक जाएगा। ये देखिए अब हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा केसर और डालेंगे इसमें, थोड़ा कम लग रहा था देखने में, थोड़ा सा और डाल दिया। ये देखिए हमारी खीर, छोले और चने, सारा सामान बनकर तैयार हो गया है। कन्या आती है उन्हें कुछ नमकीन चाहिए होता है, इसलिए मैंने छोले भी बना दिए कि जिससे वो पूड़ी को मन से खा सकें। सारा खाना हमारा रेडी हो गया है, अब हम पूड़ी की तैयारी करेंगे। ये देखिए मैंने आटे की सारी लोइयां बनाकर रख ली हैं, तो मैं पूड़ियां बनाकर तैयार कर रही हूँ, मेरी बेटी भी मेरे साथ हेल्प कर रही है। ये देखिए फटाफट पूड़ियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। पूड़ी को मैं बिना आटा लगाए बनाती हूँ, थोड़ा सा तेल लगाकर, जिससे वो देखने में क्रिस्पी हो जाती है और हमारा तेल भी गंदा नहीं होता है। आटा लगाकर पूड़ी बनाने से तेल गंदा हो जाता है। ये देखिए रिफाइंड की पूड़ियाँ हैं। अब उसके बाद हमने हवन किया है, नौमी को हवन। ये देखिए कितने अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, मेरी बेटी ने ये वीडियो बनाया है, अच्छा लग रहा है ना। अब हम लोगों ने अपना हवन ख़त्म कर लिया है, पूजा ख़त्म हो गई है, अब धीरे धीरे हम अपने कन्या भोज की तैयारी करेंगे। कितना सुंदर लग रहा है, महीने में एक बार हवन ज़रूर कराना चाहिए, हम लोग करवाते रहते हैं, घर में सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। ये देखिए अब कन्या आ गई हैं, हम लोगों ने खाना लगा दिया है, सारे बच्चे बहुत मन से खा रहे हैं सारी चीज़ें, बच्चों को छोले बहुत पसंद आए, एक नई रेसिपी थी। कन्या भोजन समाप्त, टाटा बाय बाय।